बस भैया। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी भी सो के उठी हूँ, मेरा फेस पया कर रहा है ये चीज़। तो चलिए फिर हम चाय पीते हैं और दिन की अच्छी पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, आई होप बारिश ना हो। तो एज़ यूजुअल मैं गई किचन में अपनी फेवरेट मॉर्निंग टी के लिए, और आज मैंने चाय में मिल्क मेड यूज़ किया क्योंकि मुझे चीनी नहीं मिल रही थी। खैर उसके बाद मैंने एक ग्लास गर्म पानी भी रखा। मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद एक कप चाय। चाय पीने बैठी थी कि हमारे काम वाली आंटी आ गई। तो ये है आंटी जी जो हमारे घर को एकदम जेट क्लीन कर देती हैं रोज़ आके। अच्छा मानसून की वजह से ना हमारे कपड़े हम धूप में तो सुखा ही नहीं पा रहे, तो घर के अंदर ही सूख रहे हैं। तो अभी मम्मी ने मुझे बोला था सारे जितने भी सूखे हुए उनको फोल्ड कर देना और जो गीले उनको फिर सुखा देना। तो बस उसी काम में लग गई और थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली मैंने घर की। बारिश की वजह से सारे कपड़े अंदर ही सूख रहे हैं और आधे तो ये देखिए अंदर इस रूम में सुखाए होंगे मम्मी ने। यहाँ देखो गेस्ट रूम का ऐसा हाल बना रखा है ना, अगर अभी कोई गेस्ट आ गया पता नहीं कहाँ सोएगा। खैर उसके बाद जितने भी गीले कपड़े थे सबसे पहले मैंने उनको टेरेस पे सुखा दिया, और ये देखिए हमारा फ्लैग कितने अच्छे से लहरा रहा है। उसके बाद जो सारे सूखे कपड़े थे मैंने उनको अच्छे से फोल्ड किया और सेग्रीगेट कर लिया ताकि हर इंसान के कपड़े अलग अलग इकट्ठा हो जाए और फिर बाद में दिक्कत ना आए। फिर मैं उनको एक एक करके लेके जाऊँगी नीचे। सारे कपड़े फोल्ड हो गए और इतनी ह्यूमिडिटी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अजीब सी गर्मी हो रही है और ऊपर से ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में तो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं कपड़े और मैं इनको आराम से लेके जाऊँगी नीचे एक एक करके। कपड़ों का काम हो चुका है, सबके रूम में उनके कपड़े रख दिए गए हैं तो अपने आप अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो एडिट कर लूँ, उसके बाद ही मैं फ्रेशन अप होने जाऊँगी। तो मेरे को शॉर्ट्स की एक वीडियो एडिट करनी है, तो उसमें मैं रिव्यू कर रही हूँ, मतलब अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है लिबास का। एक सूट मंगाया था मैंने, 3 पीस सेट है वो। तो जब तक ये वाली वीडियो आएगी वो ऑलरेडी मैंने डाल चुकी होगी, 12-1 बजे के अराउंड अपलोड कर दूँ। फिर उसके बाद हम फ्रेशन अप होंगे एंड देन फिर लंच प्रिपेयर कर लेंगे। चुके हैं फ्रेशन अप हो के, मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है, आप ज़रूर से देखिएगा अगर आपने नहीं देखी होगी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा 12 बज चुका है तो कोई लॉजिक नहीं है इस टाइम पे दिया जलाने का, बट हम वहाँ जाके प्रे करके आएंगे। और ना मुझे ऊपर फ्लोर पे एक जहाँ पे हमारा प्याज का स्टॉक होता है ना उसको थोड़ा साफ़ करना है। वहाँ पे प्याज अब फिनिश हो चुका है स्टॉक, पर वहाँ पे गंदा हो रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ये मानसून की वजह से कुछ प्याज ख़राब हो गए तो वहीं पर ख़राब वाले उनको साफ़ करके आना है एंड देन हम कुक करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं। और इस लाइट में एकदम फ्रेश होने के बाद कितना ग्लो आ रहा है फेस पे, अभी थोड़ी देर बाद देखना ग्लो का क्या होता है। इतना गंदा हो रखा है, सारे साफ़ प्याज इसमें से हट गए, सब ख़राब थे। तो मैंने मम्मी को बोला था मैं साफ़ करूँगी और मैंने एक हफ्ते तक नहीं किया। तो आज वो मम्मी मुझे 4 बात सुना के गई तो मैं खुला कर देती हूँ बिकॉज ना ये अब स्मेल करने लग गए। तो मेरा दिन नहीं आता, मेरा मुहूर्त नहीं निकल रहा था जबकि बहुत छोटा सा काम है। तो इसे क्लीन करते हैं, मैं टोकरी लाना भूल गई। जो थोड़ी सही कंडीशन में थे उन प्याज को मैंने अलग निकाल लिया, और जो एकदम सड़ गए थे उनको मैंने अलग टोकरी में और फिर उसको पॉली बैग में बंद कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया, हमने कर लिया है अच्छे से क्लीन। और मैंने ये प्याज यहाँ पे सुखा दिए, थोड़ी देर धूप आ रही है, जो थोड़े से ठीक कंडीशन में थे। बाकी कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, देखो फ्लैग्स कितने प्यारे लग रहे हैं सबके घर में। और ये जो कपड़े सूख गए थे मैंने रख लिया, अब इसको भी नीचे लेके चलते हैं। स्वेटिंग हो रही है बहुत बुरी वाली, पर चलो चलते हैं किचन में और आज का लंच प्रिपेयर करते हैं। और ऑलरेडी इट्स अराउंड 12:50। उसके बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ। मेरा आउटफिट दिखाने का तरीका ना बिल्कुल दुनिया से अलग है। तो ये एक पूरा सेट आया था और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऑनलाइन ही किसी ऐप से मंगाया था। खैर तो हमारी दाल ऑलरेडी उबली हुई है, मतलब ओवरनाइट इसको डिप करने के बाद इसको उबाल के रखा हुआ था मम्मी ने। तो अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम निकाल के रख लेते हैं ताकि जब हम कुकिंग स्टार्ट करें तो कोई इशू ना हो, सब हमारे पास पड़ा हुआ हो। दिस इज जिंजर पेस्ट एंड दिस इज गार्लिक पेस्ट। मेरा रेफ्रिजरेटर खुद बन जाता है ऑटोमेटिक। सेल्फ एंटरटेनमेंट करते हुए कुकिंग का मजा ही अलग है। खैर जितने भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने स्लैब पे रख दिए। प्याज का भी टेस्ट आना चाहिए मार्केट में, आता है क्या गाइस?
खैर यहाँ पे मैं प्याज के पेस्ट की डिमांड कर रही थी, वैसे आता है क्या गाइस, मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ। और ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा राजमा निकाल के ना उसको ना मैश कर देंगे, इससे ग्रेवी थिक बनती है। तो अब स्टार्ट होगी कुकिंग। तो कढ़ाई में डाला तेल, जीरा, हींग, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको थोड़ी देर कुक किया, और उसमें डाला फिर प्याज, और इनको अच्छे से कुक करना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए इस स्टेज पे। मुझे कितनी सेटिंग हो रही है इस टाइम पे, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। हमारे इंडिया में भी घर वैसे ही होने चाहिए ना, कम्प्लीटली वो क्या बोलते हैं उसे, पूरा अंदर से एयर कंडीशनड नहीं होते, पर करो घर में काम। जब ये सब अच्छे से कुक हो जाए तो उसमें हमें टमाटो ऐड करके उसको भी अच्छे से कुक कर लेना है, और उसके बाद ऐड करना है वाटर, एंड देन जितने भी मसाले हैं, जैसे कि मैंने डाला गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के उसको भी अच्छे से कुक कर लेना है, और उसके बाद डाल देनी है जो हमने थोड़ी सी मैश्ड राजमा रखी थी वो, और थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको कुक कर लेना है। देन आपकी बची हुई राजमा भी डाल देनी है, और इसके बाद आपको डालना है राजमा मसाला, और बस इसको आपको थोड़ी देर कुक करने छोड़ देना है। और साथ में मैंने प्रेशर कुकर में राइस भी चढ़ा दिया था, और हमारी हो गई है कुकिंग कंप्लीट। सो गाइस, कुकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं मम्मी पापा का वेट कर रही हूँ, उनके साथ ही सीधा ब्रंच करूँगी, एंड उसके बाद मुझे जाना है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ मूवी देखने, और हम अप्रॉक्स एक साल बाद मिल रहे सीरियसली, और कल मेरी उससे बात हुई काफ़ी टाइम बाद, और उससे सीधे बोला कि चल मिलते हैं, मैं आ गई हूँ, रक्षाबंधन है तो सब अपने घर पे आ ही जाते हैं इस टाइम पे। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि उसने बस बोला कब फ्री है, कितने बजे, और सीधे मतलब मूवी का एक टिकट बुक कर दिया। 3:15 का शो है हमारा, तो बस खाना खाने के बाद उसके लिए रेडी होंगे, उससे मिलूंगी, और उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं उसकी मम्मा से मिलने को होती हूँ, क्योंकि वो ना बचपन से जाते हैं, तो एक मतलब अलग ही एक अटैचमेंट है आंटी से भी। आराम करती हूँ एंड फिर लंच करेंगे। फिर मम्मा आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो लंच कर लेते, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं सुबह से आज कुछ खाया ही नहीं था, तो फटाफट से हमने लंच किया, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने लेट गई, ताकि फिर रेडी होने जाऊँ तो थोड़ा फ्रेशनेस हो ना फेस पे। तो अभी हो चुके हैं 2:00, और हमारी 3:15 की मूवी है, तो फटाफट से तैयार होते हैं। गाइस जी, मैं हो चुकी हूँ तैयार, ये रही मेरी कुर्ती, इसमें बहुत प्यारा सा यहाँ पर डिज़ाइन है, और बाकी ये बिल्कुल सिंपल एंड प्लेन ब्लैक कुर्ती है, एंड आई लाइक दिस कुर्ती सो वेरी मच। और आज वैसे भी ब्लैक पहनने का डिनर है, आज शनिवार है, तो इसलिए मैंने कहा चलो यही पहन लेते। साथ में मैंने इसे पेयर किया है इनके साथ, ये प्यारे से हमारे मोती वाले इयर रिंग्स हैं, और साथ में मैंने नीचे वेयर की है, लेट मी शो यू, इसके साथ मैंने वेयर किए ब्लू जीन्स और ये वाली सैंडल्स, ये मेरी आजकल फेवरेट हैं। तो ये है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मनीषा रानी, रानी मैंने अपने आप से ऐड किया वैसे। और यहाँ पे हम लिफ्ट से जा रहे थे, मैंने इसको बोला बहन स्टेयर से चल लेते, बोलते नहीं नहीं लिफ्ट से ही चलेंगे। तब भी कौन सा फ्लोर पे? सेकंड नहीं, हाँ 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 बंद ही होगी, सेकंड है, सेकंड। ये कौन सा फ्लोर है? फर्स्ट, ये फर्स्ट है, जीरो। अच्छा, जीरो लिखा भी है वहाँ पे, सॉरी फर्स्ट है। आई होप मूवी अच्छी हो। बहुत टाइम बाद मैं और मनीषा मूवी देखने जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 2-3 साल बाद। दिखा भैया को, भैया को फोन तो दिखा दे दीदी, फोन तो दिखा दो। मन्नू एक्साइटमेंट में टिकट शो करना ही भूल गई थी, ऐसे ऐसी चीज़ें होती है तो बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद मैंने अपना हेलमेट भी रखवा दिया था, टोकन ले लिया था, 15 का शो था तो हमने सोचा थोड़ी फोटोज़ क्लिक कर लें, वो अलग बात है उन्होंने मूवी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी। वैसे दोस्तों के साथ ना हर चीज़ में आपको हंसी आती है, एंड आप बहुत ही अलग हो जाते हो। कितने बज रहे? तुमने घड़ी पहनी है इतनी बड़ी? घड़ी देखने वाले कौन से ब्रांड की है? ओह माय गॉड, रिच पीपल। हम अंदर आए तो देखा मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने अराउंड 3:05-3:10 पे स्टार्ट कर दी थी। खैर मूवी वूवी देखी, इंजॉय करी, और उसके बाद हम दोनों ये देखिए डिसाइड किया कि चलो कुछ खाने चलते हैं। तो ये हम पहुंच गए हंगर पॉइंट करके एक कैफे है, वहां पे हम आए और कुछ ऑर्डर कर रहे थे, है ना? हाँ, आलू टिक्की राइस, हाँ, और एक फ्राइज नहीं क्या? क्या फ्राइज? क्या राइस? प्राइस, प्राइस, पेरी पेरी प्राइस। हाँ, एक पेरी पेरी प्राइस ले लेते हैं। मनीषा को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं फ्राइज बोल रही हूँ, लगी पड़ी थी राइस राइस। खैर उसके बाद हमने ये सब खाया आराम से बैठ के,
ये ले जा सकते हैं, ये भी हमारा हम भी बना के खाएंगे। वैसे खाने के साथ साथ खूब लंबी लंबी बातें भी कर रहे थे जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो मैंने कहा चल मनीषा तेरे घर ही चलते हैं और आंटी से भी खूब बातें हो जाएंगी। मनीषा कुत्ती को फिर उसके घर में आराम से बैठ के हमने लंबी बातें करी और बहुत अच्छा लगा यार इतने दिनों बाद मिल के बातें करके। फिर उसके बाद अराउंड 7:38 मैंने बोला कि चलो अब घर चलती हूँ। ये मेरी प्यारी आंटी आ गई हूँ घर, मैंने कर लिया चेंज और आज मम्मी म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। पेरिस पे घूम के डिनर करके फिर मैं सोने चली गई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।